आचार्य वर्धमान सूरी हो चुके 800-900 साल पहले। वस्तुपाल का जब देहांत हुआ तो उनको बहुत शौक लगा और उन दिनों से उन्होंने 6 विगई का त्याग किया, आयंबिल चालू किया। एक श्रावक की डेथ हुई और एक साधु ने आयंबिल का तप चालू किया। यह जिन शासन है वह आचार्य वर्धमान सूरी देह जर्जरित हो चुका था। लोगों ने कहा कि पारणा करो। भगवान संखेश्वर के परम भक्त थे, उन्होंने कहा मैं पारणा करूंगा लेकिन संखेश्वर के दर्शन करने के बाद करूंगा। वर्धमान सूरी ने वर्धमान तप का पाया डाल दिया। पाया में 5 होली पूरी हुई, 6ठी, 7वीं, 10वीं, 20वीं, 50वीं, 70, 80, 90, 99 होली पूरी हो चुकी है, 100वीं होली चालू है और संखेश्वर का संघ निकाला। मारा साहेब का पारणा कराना है, संखेश्वर में जाके हम पारणा कराएंगे। देह जर्जरित है, शरीर क्रूश है, चल नहीं पाते। अचानक पीड़ा हुई, विहार करते करते एक पैर के नीचे आसन बिछा के बैठ गए। नौकर की धुन चालू हुई और भगवान संखेश्वर का स्मरण करते करते आचार्य वर्धमान सूरी ने अपना देह का त्याग कर दिया और भगवान संखेश्वर का ध्यान करते थे तो दूसरे जन्म में भगवान संखेश्वर के तीर्थ के अधिष्ठायक हो चुके। आज आचार्य वर्धमान सूरी इस संखेश्वर तीर्थ के अधिष्ठायक है। एक आचार्य जब अधिष्ठायक बने, पूरे विश्व के अंदर इस तीर्थ की महिमा फैलाते गए। इसीलिए इस वाटिका का नाम क्या रखा है, एक बात आज सुन लो। अपने यहां एक बड़ा आर्टिस्ट आया है रंगोली वाला, आज सुबह मुझे आके कह गए कि आपका प्रवचन मैं भी सुनूंगा। मैंने कहा अच्छा, फिर आपका प्रवचन सुनने के बाद मैं शाम को रंगोली बनाऊंगा। सुनना जरा ध्यान से, आपको तो कोई रस नहीं होता है ऐसे, लेडीज को ज्यादा होता है। प्रवचन जो ध्यान से सुनेंगे उसमें से कोई भी 5 वर्ड उस रंगोली में वो लिखेंगे, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे कि आप ढूंढ नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बार बार देखोगे तब आपको वो शब्द मिल सकते हैं। राजा कुमारपाल की आरती पूरी होने के बाद बाहर जो रंगोली होती है उस रंगोली के अंदर ये 5 शब्द छिपे होंगे, आपको ढूंढना है। मिल जाए तो बोलना नहीं है, एक कागज पे लिखना है, साथ में आपका नाम, आपका टेंट नंबर और आपका आईडी नंबर होगा ना, सीरियल नंबर, हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, टेंट नंबर और आपका नाम लिख करके कार्यालय में दे देना। जिनके जवाब उत्तर 5ों 5 सही होंगे, दूसरे दिन उनको क्या मिलेगा, प्रभावना, कवर, बहुमान। आज से शुरू होता है तो यह वर्धमान सूरी वाटिका यहां बाहर लिखा है। यह वर्धमान सूरी वाटिका के अंदर आज जब भगवान पार्श्वनाथ की कथा चल रही है तब फिर से यह कहना चाहता हूं, आज भगवान पार्श्वनाथ का चरित्र बराबर ध्यान से सुन लो ताकि जब भगवान पार्श्वनाथ मिले तब ऑटोमेटिक अंदर से प्यार खड़ा हो जाए। भगवान ने जन्म तो ले लिया, यही परमात्मा को इंद्र और देवताओं लेकर कहां चले गए, मेरु पर्वत के ऊपर, और सबसे पहले क्या हुआ है, अभिषेक। भगवान का जब अभिषेक होता है कितने छोटे और कितना अभिषेक। आजकल आप लोगों की एक आदत हो गई है, भगवान के मंदिर में कोई 108 कलशों से अभिषेक करे तो आप बोलोगे हाँ कितनी विराधना, कितने पानी के जीव, वारे वाह। आप या आपका बच्चा या आपके परिवार में से कोई स्विमिंग पूल में जाता है तब पानी की विराधना नहीं दिखाई दे रही, मजे से। चलो स्विमिंग पूल में नहीं जाते होंगे, घर के अंदर बाथ टब बनाया कि नहीं बनाया, सवरना पोर में हमें जो आविये ने पूछिए क्या छे तो बाथ टब में शू करे, भैंस नीचे पड़े अंदर,
अर्धा कल्ला के बाहर निकल से, और जब वो बाहर निकलते गए तब कितना पानी वेस्ट जाता है, और हम भगवान के कलशों दूध के कलश से अभिषेक करें तो आप लोग बोलोगे इतना दूध फालतू, लोगों को दूध पीना नहीं मिलता है, इनकी निंदा बाद में करो। पहले मुझे ये बताइए, रजनीकांत का कोई पिक्चर जब निकलता है तब उसके बैनर के ऊपर कितने लीटर दूध से अभिषेक किया जाता है पता है? रजनी सर के बैनर के ऊपर हजारों लीटर का दूध का अभिषेक किया जाए, कोई बॉलीवुड का शूटिंग करना है और पानी बताना है, हजारों लीटर पानी वहां वेस्ट जा सकता है, वहां पे किसी को निंदा नहीं करनी, वहां पे किसी को उसकी निंदा करने का सूझता नहीं है।